This is Reena Modi. Today I am going to discuss about the evolution of sleep habit. ठीक है, different stages हैं यहाँ पर, five different stages में हम इस evolution को समझने वाले हैं. देखो हेट्रोस्पोरी, first step है हेट्रोस्पोरी, दूसरी स्टेप में रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर. हेट्रोस्पोरी मीन्स विषम बीजाणुता, रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर, जो गुरु बीजाणु है मेगास्पोर उसका जर्मिनेशन या रिटेंशन कायम रहना, आगे की अवस्था तक कायम रहना, रुके रहना. एंटेग्यूमेंट, एंटेग्यूमेंट मतलब कि ओव्यूल के चारों ओर एक आवरण का बनना, एंटेग्यूमेंट. एम्ब्रियोसेक विद इन द मेगास्पोर, मेगास्पोर में एम्ब्रियोसेक का विकास. मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टिल एंड ऑफ मेगास्पोर, एक जो मेगास्पोर विकास में डेवलप्ड हुआ है और आगे जाके ओव्यूल बनाता है उसके ऊपरी भाग में, डिस्टिल मतलब कि थोड़ा सा दूरी पर है ना, कुछ मॉडिफिकेशन होना. ये सारे चेंजेस हुए हैं, उससे विकास हुआ है सीड का. सीड का इवोल्यूशन अगर हम देखें तो अपर डिवोनियन पीरियड या कार्बोनिफेरस पीरियड है ना, अपर डिवोनियन पीरियड और कार्बोनिफेरस पीरियड के पहले तक सीड का विकास होना शुरू नहीं हुआ था है ना. डिफरेंट जो पैलियोबॉटनिस्ट थे उन्होंने अपने स्टडी के अकॉर्डिंग, मतलब उन्होंने फॉसिल्स की स्टडी की और इसके अकॉर्डिंग पाया कि जो सीड का जो इवोल्यूशन है वो वास्तव में कहां से होता है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन से सीड डेवलप्ड हुए हैं. उसके पहले जो है सीड कहीं नहीं थे है ना, उसके पहले वाले जो पीरियड में सीड कहीं नहीं थे. तो उसने जो फॉसिल प्लांट्स के जो एग्जांपल दी जिसकी स्टडी से पाया था कि इसमें सबसे पहले हेट्रोस्पोरस बने थे है ना. सबसे अगर हम देखें तो जो सीड का विकास है वो विषम बीजाणुता से ही शुरू हुआ है, और विषम बीजाणुता कौन से पीरियड में आई है, इस पीरियड में आई है. इसके पहले तक विषम बीजाणुता कंडीशन नहीं थी, हेट्रोस्पोरस प्लांट्स नहीं आए थे, पहले होते थे सम बीजाणुता है ना, उसके पहले सम बीजाणु होते थे. लोअर प्लांट में अगर हम देखें ब्रायोफाइटा, एल्गी, तो ये जलीय आवासों में रहने वाले हैं. इसके अंदर सिंपल एक समान स्पोर बनते थे, बीजाणु बनते थे जिसको विभेदित नहीं किया जा सकता था, मतलब कि दो तरह के बीजाणु एक ही पौधे में नहीं होते थे. बट धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में ये बीजाणु जो है दो भागों में बटे, दो तरह के बीजाणु शो हुए. ये कब हुए हैं, इस काल के अंदर, उसे कहा विषम बीजाणुता. विषम बीजाणुता में क्या होता है कि जो बीजाणु बनते हैं है ना, वो दो आकार के, कुछ छोटे आकार के जिन्हें कहा माइक्रोस्पोर, ठीक है, और जो बड़े आकार के इस तरह की स्पोर, दो तरह की स्पोर, दो जननांगों में या कोन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हुए, तो ये हुए माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के फॉर्म में. तो ये वाली जब कंडीशन बनने लगी प्लांट में तो इसे कहा हेट्रोस्पोरी. तो हेट्रोस्पोरी प्राथमिक अवस्था है बीज के विकास की, जिसमें धीरे धीरे विकास हुआ, इवोल्यूशन होता गया और सीड का विकास हुआ है. दूसरे ये मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बना रखा है इसमें आप देखिए, हेट्रोस्पोरी प्लांट में कुछ जो पेलियोबॉटनिस्ट है उनका कहना है कि जो हेट्रोस्पोरी कंडीशन आई है कहां से आई होगी, होमोस्पोरस प्लांट से आई होगी. होमोस्पोरस प्लांट में इस तरह की जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इस तरह से दिखाई देता था, टेरिडोफाइट के लोअर स्पीशीज में जो बनते थे स्पोर, जो बनते थे वो एक स्पोरेंजिया के अंदर बनते थे, जहां पे हम विभेदित नहीं कर पाते थे कि यह माइक्रोस्पोरेंजिया है या मेगा स्पोरेंजिया या दो तरह के स्पोर्स में बन रहे, यहाँ पे सारे स्पोर्स एक समान बनते थे, ठीक है ना. तो ये कहा गया ये होमोस्पोरस जो कंडीशन है ये एंसिस्टर है किसकी, हेट्रोस्पोरस की. हेट्रोस्पोरस का विकास वास्तव में होमोस्पोरस कंडीशन से हुआ है. तो कुछ साइंटिस्ट की स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने कल्पना की कि जो स्पोरेंजिया है इसके अंदर धीरे धीरे न्यूसेलस, जो न्यूसेलस का कंटेंट है, न्यूसेलस कौन सा पदार्थ होता है जो इसको पोषण देता है, ठीक है, तो इसके अंदर धीरे धीरे
जो स्पोर की संख्या है उसमें कमी आई होगी या स्पोर्स के नंबर धीरे धीरे रिड्यूस हुए है ना, उनमें जैसे इनके नंबर में रिडक्शन हुआ तो ये मात्रा में उसी मात्रा में तो न्यूसिलस का पाया जाना पोषक तत्व तो अधिक की मात्रा में जो उसका लिमिट सीमित स्थान है उसके अंदर उसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, पर धीरे धीरे स्पोर और बीजाणुओं की संख्या कम होती गई तो कम बीजाणुओं ने क्या करा पोषक तत्व को अपने अंदर स्टोरेज कर लिया और अपने आकार में वो फूल गए बड़े हो गए। तो इस तरह से दूसरी स्टेज में या अपर डिवोलियन पीरियड तक आते आते प्री कार्बोनिफेरस पीरियड तक आते आते ये कंडीशन दिखाई देने लगी प्लांट के अंदर कि दो तरह की स्पोरेंजिया बनने लग गई। एक वो स्पोरेंजिया जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स दिखाई देते थे, ये छोटे स्पोर्स हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोर का आकार बड़ा है। तो दोनों ही तरह के साइज के स्पोर्स संख्या में थोड़े रिड्यूस्ड हो चुके थे और ये चेंज हो गए दो कंडीशन में जिसे कहा विषम बीजाणुता। तो होमोस्पोरस से ही हेट्रोस्पोरी बने, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। होमोस्पोरस कंडीशन से हेट्रोस्पोरस कंडीशन आई है। अब हेट्रोस्पोरस कंडीशन भी सबसे पहले कहा दिखाई दी थी लेपिडोकार्पोन और कैमेलेस्टिसिस अमेरिकाना और केशियाना में, बट एंड्रू साइंटिस्ट जो थे उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट जो हेट्रोस्पोरस प्लांट था वो है चेलुरिया, है ना, उनके अकॉर्डिंग चेलुरिया, उन्होंने 1887 में बताया था एंड्रू ने कि फर्स्ट हेट्रोस्पोरी प्लांट उनके अनुसार यह होना चाहिए। अब जैसे हेट्रोस्पोरस कंडीशन बनी तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो मेगा स्पोर बने हैं, अब आगे जो सीड का विकास होता है फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है फीमेल पार्ट पर होता है, तो मेगा स्पोर को कहा फीमेल स्पोरेंजियम हो गया मेगा स्पोरेंजियम जिसके अंदर मेगा स्पोर बने हैं। अब धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया में मेगा स्पोर अपने अपनी संख्या में धीरे धीरे कम होते गए, वास्तव में यहाँ पर क्या हुआ स्पोर के नंबर धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं कम हो रहे हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी मेगा स्पोरेंजियम के अंदर जो मेगा स्पोर है उनके नंबर धीरे धीरे कम होते गए, इससे कुछ चार मेगा स्पोर की एक स्ट्रक्चर बनी मीडिएटर, उसके बाद में तीन जो होते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं और एक ही मेगा स्पोर क्रियाशील या फंक्शनल रहता है जो आगे जाके विकास में की प्रक्रिया में भाग लेता है। अब इस तरह की जो थर्ड स्टेप है इसमें हुआ रिडक्शन टू वन मेगा स्पोर एंड एंडोस्पोरी। एंडोस्पोरी का मतलब क्या है कि जो स्पोर का आगे का जो विकास है वो एक स्पोरेंजियम के अंदर ही सारा विकास हो रहा है, स्पोरेंजियम से बाहर इसमें कोई डिस्पर्जन नहीं हुआ है ना, कोई प्रकीर्णन नहीं हुआ है, इसलिए इस कंडीशन को कहते हैं एंडोस्पोरी। तो ये एंडोस्पोरी के फॉर्म में एक एक्टिव मेगा स्पोर धीरे धीरे विकास के लिए तैयार हुआ है, मतलब एक मेगा स्पोर अभी भी रिटेन है, कहां से मेगा स्पोरेंजियम में के डिफरेंट मेगा स्पोर से एक हमेशा रिटेन रहता है, रुका हुआ रहता है और आगे जाके जर्मिनेट होता है। जैसे ही एक फंक्शनल मेगा स्पोर में जर्मिनेशन होता है तो वो कंडीशन बनाता है फीमेल गेमेटोफाइट, है ना, धीरे धीरे फीमेल गेमेटोफाइट का विकास करेगा। ये फीमेल गेमेटोफाइट कंडीशन एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है जो हैप्लॉइड होती है। इस फीमेल गेमेटोफाइट स्टेज में न्यूसेलस जो है स्पोरेंजिया के अंदर जो न्यूट्रिएंट भरा हुआ रहता है उसे कहा न्यूसेलस, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे आखिरी बाउंड्री मैंने बनाई है न्यूसेलस को शो कर रहा है, न्यूसेलस इसको फीमेल गेमेटोफाइट में जितनी भी ग्रोथ होती है उसको न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होता है न्यूसेलस के द्वारा। अब जब मेगा स्पोर एक क्रियाशील था स्पोरेंजिया के अंदर तब वहां पर कोई ऐसा कवच नहीं था, है ना, स्पोरेंजिया के अंदर एक ऐसा कवच नहीं था, एक मैं रफ स्पोरेंजिया बना रही हूं, जैसे स्पोरेंजियम है ना, स्पोरेंजियम में चार मेगा स्पोर है, चार में से धीरे धीरे एक एक्टिव हुआ, एक एक्टिव हुआ, ये एक मेगा स्पोर एक्टिव हुआ, ठीक है। इस मेगा स्पोर ने फीमेल गेमेटोफाइट बनाया, मतलब एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बने जिसमें कई सेल है, कई सेल है। अब इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में एक संरचना बनती है, एक और सेल बनती है जो बहुत ही क्रियाशील है जिसे कहा एग सेल, जिसे कहा एग सेल, ठीक है। और इस दौरान इसके चारों ओर एक कवच बन जाता है, इस दौरान इस स्पोरेंजिया के चारों ओर एक कवच बन जाता है जिसे कहते हैं इंटेग्यूमेंट। तो तीसरी स्टेज में क्या
इंटेग्यूमेंट का विकास हुआ, आवरण का विकास हुआ। तो जब इंटेग्यूमेंट का विकास होता है, ठीक है, तो एक कंप्लीट सीड बनने लग जाता है, एक कंप्लीट सीड, क्योंकि सीड के चारों ओर भी इंटेग्यूमेंट होता है ना। तो इंटेग्यूमेंट का ये विकास हुआ, यहां पर बीच में जैसे एक सेल बनी तो ये एक सेल बनते बनते इंटेग्यूमेंट। अब ये इंटेग्यूमेंट कहां से बना है, इंटेग्यूमेंट का विकास कौन सी संरचना से हुआ है? तो जो स्पोरेंजिया थी, यहां पर स्पोरेंजिया देखो, ये वाली जो संरचना में जो स्पोरेंजिया है, ये जो स्पोर्स की जो कंडीशन होती है, सबसे पहले ऊपर भरे हुए रहते हैं, ऊपरी हिस्से में। तो जब इनकी संख्या कम होती है, एक मीडिएटेड ऐसी संरचना आती है कि जो स्पोर्ट्स की संख्या कम हुई, दो से चार हुई, तो ये अपर पार्ट में रहते हैं, धीरे धीरे ये नीचे आ जाते हैं। और इसका जो बेस वाला पार्ट है, ये जो निचला हिस्सा है, इसके अंदर जो वैस्कुलर सप्लाई होती है वो एक स्ट्रैंड के फॉर्म में होती है। धीरे धीरे जब वृद्धि होती है इसके अंदर, तो ये स्ट्रैंड जो होता है द्विशाखित हो जाता है और चारों ओर से इस स्पोरेंजिया को कवर कर लेता है ना। ये यहाँ पर देखिए आप, ये एक जो स्ट्रैंड है, ये इसके बेस पार्ट से यहां से एक स्ट्रैंड है, ये पहले ये शाखित नहीं थी, है ना, पहले शाखित नहीं, धीरे धीरे इसमें शाखन होता है। यहाँ पे इसके जैसे ब्रांचिंग होगी, ये ब्रांचिंग इतनी ज्यादा रेगुलर हो जाती है कि चारों ओर से इसको कवर कर लेती है और बाद में जाके इंटेग्यूमेंट का विकास होता है। तो इंटेग्यूमेंट बना, उसके बाद बना एम्ब्रियो सेक विद इन मेगा स्पोर। एम्ब्रियो सेक कहाँ का, जब मैंने इसमें बताया कि जब मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनती है, तो उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट स्टेज, हमने कहा फीमेल गैमेटोफाइट स्टेज के बाद में इसकी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में जो सारी सेल्स हैं वो धीरे धीरे एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें एट न्यूक्लियट या एक मेल फंक्शनल फीमेल न्यूक्लियस बनता है, जो एक सेल हम जिसको कहते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है। तो ये जो एक सेल है, ये एक सेल जैसे ही बनी तो इस कंडीशन को कहा एम्ब्रियो सेल। क्या कहा? एम्ब्रियो सेल। अब एम्ब्रियो सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होगी? एम्ब्रियो सेल के अंदर एक सेल है, उसके बाद एंडोस्पर्म्स, जो इसको इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है वो एंडोस्पर्म्स जो इसको न्यूट्रिशन देगा, और चारों ओर से इंटेग्यूमेंट भी इसमें बन चुका है। तो इस कंडीशन को कहा हमने एम्ब्रियो सेल। तो डेवलपमेंट हुआ एम्ब्रियो सेक विद इन मेगास्पोर। मेगास्पोर के अंदर भी अंदर ही एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हुआ। फिर बात आती है मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टिल एंड ऑफ मेगास्पोर। मॉडिफिकेशन हुआ मेगास्पोर, जो हमने बात की मेगास्पोर है, डिस्टिल एंड मतलब की दूरी पर स्थित। तो इस मेगास्पोर में अपर पार्ट पे यहाँ पर ये दूरी पर ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ कि जैसे ये जो डिस्टिल एंड है, इसका शेप जो है, पहले इस तरह से इसका शेप था इसका डिस्टिल एंड का, धीरे धीरे इसमें ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ, इसका शेप ऐसा हो गया, कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। कंडीशन के अकॉर्डिंग मतलब कि ये इसने पोल्यूशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए स्पेस क्रिएट करवा दी इसने, है ना, स्पेस प्रोवाइड करवा दिए। तो स्पेस प्रोवाइड करवाने की वजह से इसका शेप जो इस तरह से हो गया, इसमें मॉडिफिकेशन हो गया, इसका जो शेप था ऊपर गोलाई में था, ये इस तरह का हो गया ताकि इसमें आराम से पोलन ग्रेन आ सके, मतलब माइक्रोस्पोर आ सके, और वो जर्मिनेट हो जाए, वहां पर गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर पोलन ट्यूब बनाए और ये इजीली फर्टिलाइज्ड हो जाए। फर्टिलाइज किससे होगा? जब एम्ब्रियो सेक बनेगी तो इसके एक सेल में जो न्यूक्लियस है उससे फर्टिलाइज्ड होगा और निषेचन की प्रक्रिया होगी। अब विकास की इस प्रक्रिया में यह होमोस्पोरस कंडीशन है। होमोस्पोरस से क्या बना? हाइड्रोस्पोरस बना। हाइड्रोस्पोरस से क्या हुआ? एक मेगास्पोर रिटेंशन कंडीशन में है, तीन डिसअपीयर हो गए, इंटेग्यूमेंट का विकास हुआ और साथ ही बने फीमेल गैमेटोफाइट के चारों ओर इंटेग्यूमेंट बना। एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट हम आगे के लाइफ साइकिल में देखेंगे, आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे हम उसका पूरा लाइफ साइकिल में हम इसको समझेंगे एम्ब्रियो सेक को। फिर मॉडिफिकेशन हुआ, इसकी अपर स्ट्रक्चर कंडीशन के अकॉर्डिंग धीरे धीरे चेंज होती गई। अब हम इस स्ट्रक्चर को, जो फाइनल स्ट्रक्चर है, इसे कह सकते हैं ओव्यूल, ठीक है ना। दिस इज अ ओव्यूल, मतलब क्या है, जो फीमेल गैमेटोफाइट जब किसी कवर से, इंटेग्यूमेंट से कवर्ड हो जाता है, चारों ओर से प्रोटेक्ट हो जाता है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ओव्यूल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अब ये ओव्यूल सीड में, चाहे वो कोट हो, विथ कोट वाला हो, कोटिलिडॉन वाला हो, नॉन कोटिलिडॉन वाला हो, है ना, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह
कैटरपिलर से इवॉल्व हुआ है सीड, किससे इवॉल्व हुआ है, टेरिडोफाइट्स प्लांट। कौन कौन से टेरिडोफाइट प्लांट जो फॉसिल के फॉर्म में मिले हैं, टेरिडोफाइट प्लांट्स में हेटरोस्पोरस कंडीशन से ही ये इवॉल्व हुए हैं सीड। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि सीड का जो इवोल्यूशन है वो हेटरोस्पोरी से मेगास्पोर से होता हुआ फीमेल गैमेटोफाइट और पूरा एक कंप्लीट ओव्यूल बनने तक सीमित है। और आगे की क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगी इसके संदर्भ में जो थ्योरी दी गई है न्यूसेलर मॉडिफिकेशन थ्योरी और टीलोम थ्योरी के साथ। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।